दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भीलवाड़ा के अफसरों का फर्जीवाड़ा, मोदी को भी लगा दिया चूना। होली फैमिली हॉस्पिटल का कारनामा, अबॉर्शन के नाम पर रहते पैसे, कर दिया इतना बड़ा धोखा। सिद्धू मूसेवाला केस का राजस्थानी कनेक्शन, लेडी डॉन अनुराधा का क्राइम पार्टनर निकला गोल्डी बरार। पूर्व पार्षद ने खोया इकलौता बेटा, बाइक सवार बदमाशों ने तलवार और सरियों से पीटा, छीन ली सांसें। डूंगरपुर के मुस्लिमों ने पैगंबर साहब के अपमान पर भाजपा की प्रवक्ता के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सरकारी अफसरों ने फर्जीवाड़े की सारी डिग्रियों को मात दे दी, और वो भी बिना भेदभाव, मतलब कि जनता के साथ तो करते ही थे अब तक, अब तो हद ही हो गई, जब देश के प्रधानमंत्री तक को इन्होंने नहीं बख्शा। हुनर की दाद तो देनी ही पड़ेगी। बड़ी गजब की डेयरिंग दिखाई है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही एक फर्जीवाड़े को बड़ी खूबसूरती से अंजाम दे दिया। मंगलवार को पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान अफसरों ने असली लाभार्थी देवीपुरा बेमाली के गोपाल दास वैष्णव की जगह फर्जी लाभार्थी को खड़ा कर दिया और सरकारी योजनाओं का गुणगान करवा दिया, जबकि असली लाभार्थी को सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिला ही नहीं। अफसरों का डर था कि असली लाभार्थी कार्यक्रम में कहीं हकीकत न बता दे, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए उसे सिर्फ सूचना देकर औपचारिकता पूरी कर ली गई और उसकी जगह दूसरे आदमी को लाभार्थी बनाकर ले गए। नगर परिषद के टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम में फर्जी लाभार्थी झूठ पर झूठ बोलता रहा और आयोजक उसकी बातों को सुनकर श्रोताओं से तालियां बजवाते रहे। फर्जी लाभार्थी ने खुद के पत्नी होने की बात बताकर उज्ज्वला योजना में गैस मिलने की बात कहते हुए कहा कि गैस कनेक्शन मिलने से मेरी पत्नी बहुत खुश है। कमाल की बात देखिए, असली लाभार्थी की तो पत्नी ही नहीं है और इसलिए उसे उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मिल ही नहीं सकता। कार्यक्रम में कलेक्टर आशीष मोदी, जिला परिषद सीईओ डॉक्टर शिल्पा सिंह सहित तमाम सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम मोदी से बात करने के लिए 6 लाभार्थियों को बुलाया गया। हालांकि प्रधानमंत्री से बात करने का किसी का नंबर नहीं आया। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने ही लाभार्थियों से बात की। गोपाल दास बोला कि मुझे पंचायत से सचिव पुष्पा का फोन आता है कि भीलवाड़ा चलना है। मैं जाने के लिए तैयार हुआ तो बाद में सचिव ने कह दिया कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया है और अब जाने की जरूरत नहीं है। फर्जी लाभार्थी ने सभागार में बताया कि गैस कनेक्शन से पत्नी खुश है, पूरा गांव धुआं मुक्त हो गया है। उज्ज्वला योजना के बारे में कहा कि उज्ज्वला के लाभ से मेरी पत्नी बहुत खुश है, पूरा गांव बिना धुएं का हुआ। जल जीवन मिशन अमृत के बारे में कहा कि घर पर नल कनेक्शन हो गया है, 2,250 रुपए की रसीद भी कटी है। पहले पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन अब एक दो दिन में पानी मिल जाता है। पहले कुएं से पानी लाना पड़ता था और अब कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय के बारे में कहा कि शौचालय वाली स्कीम में 12,000 रुपए मिले हैं, लेकिन अब हकीकत भी तो सुनिए। कलेक्टर आशीष मोदी की ओर से एक दिन पहले जारी पत्र में गोपाल दास को केंद्र की 6 योजना, किसान निधि, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना और जल जीवन मिशन का लाभान्वित बता रखा है। बड़ा सवाल यह है कि जब गोपाल की पत्नी ही नहीं है तो उज्ज्वला योजना के लाभान्वितों की सूची में उनका नाम कैसे शामिल हो गया? जल जीवन मिशन में सिर्फ रसीद कटी, नल कनेक्शन हुआ नहीं, पेयजल की सप्लाई हुई तो कैसे लाभान्वित मान लिया गया? इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए उसके खाते में पहुंचे ही नहीं है तो फिर लाभान्वित कैसे बता दिया? पीएम किसान निधि के लिए जब गोपाल दास पात्र ही नहीं है तो फिर उसे कैसे इसका लाभान्वित बताया गया? कलेक्टर आशीष मोदी बड़े आराम से कह देते हैं कि गोपाल दास अगर लाभान्वित नहीं हुआ है और उसका नाम लाभार्थियों में लिखवा दिया है तो उसका पता करा लेंगे, कोई और आया है तो भी चेक करा लेंगे। उन्होंने कहा कि पहले से कोई आईडी कार्ड नहीं था जिससे पता चले कि वह गोपाल दास है या नहीं, या फिर उसकी जगह कोई और चला गया। ये तो सचिव अमर सिंह ही बता सकते हैं कि वो गोपाल दास है या नहीं। वहीं अमर सिंह ग्राम विकास अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो ग्राम सभा में तंबाकू निषेध की शपथ दिलाने गया था, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि कार्यक्रम में गया व्यक्ति गोपाल दास है या नहीं। मतलब कि सब गड़बड़ जाला, किसी को किसी की कोई खबर नहीं, बस सबके सब चूना लगाने में लगे हैं। लेकिन कम से कम देश के प्रधानमंत्री को तो न लगाते, बाकी जनता तो भुगत ही रही है। अजमेर के भगवानगंज की रहने वाली महिला योगेश पेट दर्द होने पर 30 मई को अस्पताल गई। वह पहली बार मां बनने वाली थी, लेकिन धरती के भगवान ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया कि आपकी भी आंखें खुल जाएगी। बात हो रही है होली फैमिली हॉस्पिटल की और यहां कार्यरत महिला डॉक्टर नीलम की, जिनके पास ये महिला गई थी। भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर नीलम ने गर्भ में पल रहे भ्रूण को मृत बता दिया। महिला के पति योगेश ने बताया कि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि बच्चे में धड़कन नहीं है, ऐसे में उसे तुरंत निकालकर क्लीनिंग यानी सफाई करनी पड़ेगी, अन्यथा गर्भवती की जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का
खर्चा करीब करीब 25,000 रुपए बताया और मंगलवार सुबह आने को कहा। ऐसे में महिला के परिजन घबरा गए और सुबह होली फैमिली हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां उनसे 25,000 रुपए लेकर जमा कर लिए गए थे। उन्हें इसकी कोई रसीद नहीं दी गई। पीड़ित महिला को बेहोश कर इलाज करने के बाद में परिजन को कह दिया कि वह अब पूर्ण रूप से ठीक है और अच्छे से सफाई कर भ्रूण को निकाल दिया है, इसे अब बेड रेस्ट करना है। योगेश का आरोप यहाँ ये है कि घर पर आराम करने के दौरान शाम 7 बजे उसे दोबारा पेट में हल्का दर्द उठा। जब बाथरूम में गई तो वहां पर अचानक भ्रूण निकल गया जो पूरा आकार लिए हुए था। ऐसे में वह घबरा गई और चिल्लाने लगी। परिजन पहुंचे तो वे भी हैरान रह गए, फिर सब अस्पताल पहुंचे। अब परिजनों का आरोप ये था कि अस्पताल प्रशासन ने 25,000 रुपए लेकर क्लीनिंग की तो फिर भ्रूण कैसे आ गया? साथ ही भ्रूण जब महिला के गर्भ में ही था तो उपचार क्या किया? ऐसे में साफ था कि कहीं ना कहीं उपचार में लापरवाही हुई। इसके अलावा अगर मृत भ्रूण अंदर ही रहकर जहर फैला देता और गर्भवती की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? इन सब बात से नाराज होकर वह वापस रात को हॉस्पिटल पहुंचे और नाराजगी व्यक्त की। वहीं संबंधित डॉक्टर नीलम को हटाने और उनका पैसा वापस करने की मांग भी करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई। योगेश के परिजन का आरोप था कि हॉस्पिटल प्रशासन के लोगों ने उनसे बदसलूकी की, मारपीट की है। अलबरगेट थाना अधिकारी श्याम सिंह कहते हैं कि होली फैमिली हॉस्पिटल में हुए हंगामे के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने पर शिकायत दी गई है। मामले में भ्रूण को JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिवार दर्ज कर जाँच की जा रही है। उधर डॉक्टर नीलम भी ये कहती है कि मरीज के परिजन के आने का पता चला था, सीनियर सिटीजन होने के बावजूद समझाने के नाते वहां चली गई। जो भी अबॉर्शन किया सही किया, कोई पीस रह जाता है तो अपने आप निकल आता है, फिर भी कोई दिक्कत थी तो बताना चाहिए। परिजन ने हंगामा किया, मारपीट की, पैसे निकाल लिए। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत भी दी गई है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार का राजस्थान से भी कनेक्शन है। कनाडा में बैठा गैंगस्टर बरार राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा का क्राइम पार्टनर रह चुका है। यह वही गोल्डी बरार है जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़ा है। लेडी डॉन अनुराधा राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड थी। जून 2017 में आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद अनुराधा ने लॉरेंस की गैंग को ज्वाइन कर लिया और इसके बाद से वकाला जठेरी के साथ मिलकर गैंग को ऑपरेट करने लगे। अनुराधा ने लॉरेंस की मदद से गोल्डी के साथ इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट बना लिया। अनुराधा ने अपने नए पति गैंगस्टर काला जठेरी के साथ पार्टनरशिप में अपने 20 विरोधियों का सफाया कर दिया। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया जब अनुराधा और काला जठेरी को 31 जुलाई 2021 को पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस ने जब अनुराधा और काला जठेरी से पूछताछ की तो गोल्डी बरार का नाम सामने आया। पूछताछ में यह बताया गया कि वे इंटरनेशनल गिरोह चला रहे थे। लेडी डॉन अनुराधा की अगुवाई में काला जठेरी, कनाडा में बैठा गोल्डी बरार, थाईलैंड में बैठा वीरेंद्र प्रताप और पंजाब का मोंटी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में अंडरवर्ल्ड जैसी दुनिया बनाना चाह रहे थे। अनुराधा को 10 महीने पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गैंगस्टर काला जठेरी के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल अनुराधा राजस्थान की अजमेर जेल में बंद है। हिस्ट्री शीटर बलबीर बानुड़ा के जरिए अनुराधा कुख्यात अपराधी आनंद पाल के संपर्क में आई थी। बताते हैं कि आनंद पाल के ठेठ पहनावे को अनुराधा ने ही बदला था, यहाँ तक कि उसे अंग्रेजी बोलना भी सिखा दिया। इसी के बदले आनंद पाल ने अनुराधा को AK-47 चलाना सिखाया था। अनुराधा अवैध हथियारों की हेराफेरी में आनंद पाल का सहयोग करती थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद वह फरार हो गई थी। फरारी के दौरान लॉरेंस की मदद से अनुराधा की मुलाकात काला जठेरी से हुई और इसके बाद वह उसकी पूरी गैंग को ऑपरेट करने लगी। सीकर की रहने वाली अनुराधा के घर का नाम मिंटू है। बचपन में ही माँ के गुजरने के बाद अनुराधा के सर पर सिर्फ पिता का साया बचा था। आर्थिक हालत कमजोर होने के चलते पिता कमाने के लिए बाहर चले गए। अनुराधा पढ़ाई में तेज थी, उसने BCA जैसी प्रोफेशनल डिग्री भी ली। नॉर्मल जॉब उसका एम्बिशन नहीं था। शादी के बाद अनुराधा और उसके पति फेलिक्स दीपक मिंस ने सीकर में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर लोगों के लाखों रुपए ट्रेडिंग में लगवा दिए। अचानक उनका धंधा चौपट हुआ और वे करोड़ों के कर्ज तले डूब गए। कर्ज खत्म करने के लिए अनुराधा ने जुर्म का रास्ता चुना और उसने अपने पति को भी छोड़ दिया और बन गई लेडी डॉन अनुराधा। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार रात पूर्व पार्षद के बेटे की तलवार और सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों के लोगों ने बुधवार सुबह हंगामा कर दिया, बाजार बंद करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। भाजपा पदाधिकारी और कई संगठन सुभाष चौक पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं हंगामे के दौरान तोड़फोड़ कर टेम्पो और तरबूज की दुकान भी जला दी गई। दरअसल गांधीनगर के रहने वाले पूर्व पार्षद जगदीश सोनी का बेटा राकेश उर्फ रतन सिंह मंगलवार रात एक कार्यक्रम में भाग लेकर घर लौट रहा था। शमशान घाट के पास पहुंचते
रास्ते ही दो बाइक पर सवार बदमाशों ने तलवार और सरियों से हमला कर दिया। हमलावर विशेष समुदाय के बताए जा रहे हैं। हमले में घायल युवक को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया, मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बड़ी संख्या में सोनी समाज के लोग और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सुभाष चौक पर एकत्रित हुए और हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। फिलहाल मामले को लेकर भाजपा पदाधिकारी और कई संगठन सुभाष चौक पर आंदोलन कर रहे हैं। पूरा बाजार बंद करवाया गया है और इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने धरना स्थल पर भी पथराव कर दिया। कच्ची बस्ती इलाके में विशेष समुदाय के लोगों ने कवरेज कर रहे कुछ पत्रकारों पर भी पथराव किया। पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया। मौके पर SP प्रीति जैन सहित पुलिस जाप्ता मौजूद है। उदयपुर अभय कमांड के इंचार्ज और पूर्व एडिशनल SP हिम्मत सिंह देवल को उदयपुर से बुलाया गया है। हालत को बिगड़ता देख एडिशनल SP कैलाश सिंह सांधू, DY SP बुद्धराज, कोतवाली थाने से सब इंस्पेक्टर गोपालनाथ सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस लगातार सभी को देर रात तक समझाइश करती रही। मौके पर सांसद CP जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी पहुंच गए। सभी मिलकर SP से मिलने गए और थाना कोतवाली में रिपोर्ट की। वहीं मृतक रतन के शव को फिर से जिला मुख्यालय लाया गया। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिसकर्मी जो लगातार हर त्योहार हर मौके पर अपनी ड्यूटी को लेकर बड़ी ही मुस्तैदी से डटे रहते हैं। जब हम अपने परिवारों के साथ त्योहार और हर मौके पर उत्सव के रूप में मना रहे होते हैं, तब भी ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि रखकर अपना मोर्चा संभाले रहते हैं। ऐसे में इनके लिए आदर भाव होना ही चाहिए। इसी के चलते ज्योति सेवा शक्ति संस्थान की ओर से उदयपुर के सभी पुलिसकर्मी, जो कि इतनी भयंकर गर्मी में सभी चौराहों पर मौजूद रहते हैं, तो वह सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी को आम पन्ना पिलाया गया। सेवाश्रम कुम्हारों का भट्टा, सूरजपुर, उदयपुर महिला थाना और विशेष तौर पर फतेह सागर पर मौजूद पुलिसकर्मी सभी को केरी पुदीने का पानी यानी कि आम पन्ना पिलाया गया, जो गर्मी से राहत देने में मददगार साबित होती है। इसके साथ पेयजल व्यवस्था भी करवाई गई। इसमें अध्यक्ष पंडित पंकज शर्मा, उपाध्यक्ष प्रज्ञा शर्मा, सचिव राहुल दर्जी, कोषाध्यक्ष दिनेश दुबे, सदस्य तुलसीराम दर्जी, वर्षा सालवी, देवांश शर्मा आदि मौजूद रहे। बेवफाई की सजा एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को कुछ ऐसी दी कि सब देखते ही रह गए। उदयपुर में गर्लफ्रेंड को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है। हुआ ये कि युवक युवती रिलेशनशिप में रह रहे थे। 25 साल की युवती फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी 28 साल का बॉयफ्रेंड आ गया और कॉलोनी की गली में ही सरेआम पिटाई करने लगा। इस दौरान युवती की सहेली ने बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक के डर से वह पीछे हट गई। घटना झाड़ोल कस्बे के बस स्टैंड के पास की है। बुधवार सुबह युवती के रोने की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। देखा कि एक युवक युवती को बुरी तरह से पीट रहा है। रोती हुई युवती माफ करने और छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन प्रेमी थप्पड़, लात, घूंसे और चप्पल बरसाता रहा। बालों से पकड़कर 4 फीट तक घसीटता ले गया। युवती के चिल्लाने पर लोग जमा हो गए और इसके बाद युवक युवती दोनों मौके से चले गए। मौके पर मौजूद लोगों को युवक युवती को फलासिया इलाके का रहने वाला बताया। वे झाड़ोल के एक कॉलेज में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों 5 सालों से रिलेशनशिप में थे। बुधवार सुबह किसी से बात करते वक्त युवक ने युवती को पकड़ लिया। युवती जवाब नहीं दे पाई तो वह पीटने लगा। युवती के साथ उसकी सहेली मौजूद थी। उसने अपनी सहेली को पिटाई से बचाने की कोशिश की तो युवक ने उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। इस बीच पास के किसी घर से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया गया और वहीं इस घटनाक्रम पर पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। किसी ने मामला दर्ज नहीं करवाया है। डूंगरपुर के मुस्लिम यूथ ने जिला पुलिस अधीक्षक को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगम्बर मोहम्मद साहब के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। डूंगरपुर के सुन्नी मुस्लिम यूथ के युवाओं ने कहा कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, उस सरकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा देश के 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हुए मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक शब्द कहेंगे तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवाओं ने ज्ञापन देकर नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग कही है। युवाओं ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा नेशनल TV पर डिबेट में ऐसी अपमानजनक भाषा का उपयोग करती हैं और नेशनल TV के चैनल उन्हें इसकी इजाजत भी दे देता है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। युवाओं ने कहा कि नुपुर शर्मा के अपमानजनक बयान के बाद डूंगरपुर के मुस्लिम समाज में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों में रोष व्याप्त है। युवाओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द भाजपा की इस राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक फोटो दिखाई देगा। ये एक विद्युत पोल है जो किसी हादसे को न्योता दे रहा है और हमारे जो जिम्मेदार हैं उनकी आंखों पर दरअसल पट्टी बनती है। पट्टी भी नहीं, शायद वो किसी हादसे के हो जाने की ही राह देख रहे हैं। ये पोल अगर गिरा तो न जाने कितने घरों के चिराग बुझा ले जाएगा। लेकिन उदयपुर के विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी भैया नींद बड़ी प्यारी है। अब चलिए आपको समझाते हैं कि पूरा माजरा क्या है। प्रजापति नगर ग्लास फैक्ट्री चौराहा खेमपुरा में रोड पर यह खंभा पिछले 3 महीनों से ऐसे ही झुका हुआ है। 2-3 बार कंप्लेन भी
कर दी गई। अब ना तो आरएसीबी वाले और ना ही नगर निगम वाले सुन रहे हैं। मजे की बात देखिए, यहाँ के पार्षद ने भी इन्हें 3 बार बोल दिया है आरएसीबी वालों को, लेकिन फिर भी ढाक के 3 बार। अब या तो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं या फिर अपनी मनमानी करने की ठान ली है। दोनों ही सूरत में किसी दिन कोई बड़ा जानमाल का नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान किसी से भरते बनेगा नहीं। तो भलाई इसी में है कि इसे दुरुस्त कर दिया जाए, वो भी जल्द से जल्द। वहाँ की जागरूक जनता ने ये फुटेज सीबीसी न्यूज को उपलब्ध करवाए हैं और गुहार लगाई है कि प्रशासन और आरएसीबी का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए और इस डर के साए में जी रहे लोगों को इससे निजात दिलवाई जाए। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।